खबर बरेली की, बरेली से बीटीवी, बरेली की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी, आपके साथ मैं हूं श्वेता उपाध्याय। प्लास्टिक से होने वाले खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सहित देश के 18 राज्य इस पर बैन लगा चुके हैं और अब इस सूची में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि 15 जुलाई से पूरे राज्य में प्लास्टिक पर बैन लागू हो जाएगा और ऐसा करने वाला यूपी देश का 19वां राज्य होगा। 2015 से लेकर यह तीसरा मौका है जब यूपी में प्लास्टिक बैन की गई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा। सरकार ने पॉलिथीन बनाने, बेचने, खुदरा बिक्री, ट्रांसपोर्ट तथा स्टोर करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इन आदेशों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। खाने पीने की छोटी मोटी वस्तुएं जैसे कि ब्रेड, रस, फैन और लघु उद्योग के सामान की पैकेजिंग में जो पॉलिथीन इस्तेमाल होती है वो भी 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन के अंतर्गत ही आती है। ऐसे में जो छोटे उद्योग वाले हैं वो अगर पॉलिथीन की जगह कोई दूसरी चीज़ पैकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरा रास्ता जागरूकता का है। सरकार अपना काम कर चुकी है, अब हम नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि प्लास्टिक के उपयोग के प्रति जागरूक हो जाएं। बीटीवी की टीम की ओर से हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करें, उसे नदी नालों में बहाने और जलाने से बचें। ऐसे ही अनेक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें बीटीवी।